मुफ्ती अरबाब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती अरबाब चैनल को सब्सक्राइब करें एक सवाल यह है कि नमाज के लिए अजान देना जरूरी है या नहीं दूसरा सवाल यह है क्या रुकू में बाद बात रबाना हम कहना जरूरी है या नहीं अगर जरूरी है तो क्या कोई दलील है उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे और मुझे तशफी बख्श जवाब देंगे तो इसका जवाब यह है अजान जो है अजान देना ये सुन्नत मौका है अजान देना सुन्नत मौका है और ये वाजिब के बेहद करीब है और वाजिब को करना जरूरी है नहीं। और ये दीन के शार में से है कि भाई अजान दे रहे हैं क्यों क्योंकि नमाज पढ़ी जाएगी तो यहां पर हर चीज नहीं लिखी जाती कि फर्ज है नहीं फर्ज नहीं बल्कि जब एक शार है इस्लाम का उसे तो बिल्कुल करना चाहिए फिनफसी तो ये क्या है कि नमाज क्या है सॉरी तो अजान क्या है ये वो है सुनते मोकद अच्छा अगर जमात के साथ नमाज अदा करते हैं तो अजान और इकामत बिल्कुल यानी कि अगर क्या हो रहा है कि जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं और अजान और इकामत बिल्कुल छोड़ दी गई यानी मस्जिद में भी नहीं दी गई और करीब की मस्जिद में किसी की भी अजान नहीं सुनाई दी और वहां तक पहुंची नहीं तो ये मकर और गुनाह होगा लेकिन नमाज हो जाएगी तो इससे हमें दो बातें कि पहली बात अजान देना सुनत दे मौकदा है अजान देना ज़रूरी है और दूसरी बात यह है कि जमात हो गई नमाज में और उसने ना ही अजान दी ना ही इकामत कही तो यहाँ पर क्या है कि अगर महल्ले की अजान भी सुनाई नहीं दी या कुछ भी सुनाई नहीं दी और वहाँ पर कोई भी अजान सुनाई नहीं दी तो क्या है ये गुनाह है ये मकरू है इस पर गुनाह होगा